सुमित जी, मैं आपसे ना सितंबर वाली जो लिस्ट बनवा रहा था, क्या उसमें एक एचयूएल भी आप दोगे क्या अगली सीरीज के लिए, अगर मेरे को एचयूएल लेना हो तो? क्योंकि ना थोड़े अपने प्राइस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थोड़ा शेयर पहले से टूटा था, कंसोलिडेट होके मजबूत भी हो रहा है। एचयूएल पे आपकी राय क्या है? डिम्पी, ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नीचे आने पे इसके अंदर बिल्कुल बाइंग की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले एक महीने में बहुत अच्छा अपमूव दिखाया है। 1670 1660 के लेवल से इसने तेजी की शुरुआत करी थी और ऊपर में 1880 तक का हाई लगा के ये फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में ये स्टॉक हो सकता है 1780 से 1800 रुपए तक का लेवल दिखा दे। ऐसे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें लोअर लेवल्स पे इस पर खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है, और आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक वापस से परफॉर्मेंस दिखाएगा और ऊपर में हमें 1900 का लेवल तोड़ते हुए देखने को मिल सकता है। 1900 का लेवल अगर टूटता है तो ये स्टॉक बहुत जल्दी हमें 1980 से 2000 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी एक्चुअल में।